हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई रुपेश कुमार सिंह हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नए वीडियो लेसन के साथ। और आज के वीडियो लेसन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स बाय RS अग्रवाल का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो आइए एक नज़र डालते हैं उन टॉपिक्स पे जो हम लोग ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेज में काफ़ी पढ़ चुके हैं, रिव्यू करते हैं। नंबर सिस्टम में अगर हम रफली नंबर्स को क्लासिफाई करना चाहें तो हम इन्हें दो नंबर्स में क्लासिफाई करेंगे, रियल नंबर्स एंड अनरियल नंबर्स, है ना। तो अनरियल नंबर्स के विषय में सबसे पहले जानते हैं। अनरियल नंबर्स वे नंबर्स हैं बच्चों जो कि इवेल्युएट नहीं किए जा सकते, है ना, जिन्हें आप फाइंड नहीं कर सकते, उनका एग्जैक्ट वैल्यू आप जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि √(-1) या √(-4), आपको पता है कि √4 जो है आपको पता है स्क्वायर रूट्स के बारे में, आप स्क्वायर रूट फाइंड करना जानते हैं, तो √4 जो है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि ये जो है वो 2 होगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि √(-4) आप फाइंड करके बताओ तो आप बोलेंगे कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है, है ना, -4 का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक ऐसा नंबर है जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह के नंबर्स जो होते हैं वो अनरियल नंबर्स होते हैं, है ना। और दूसरी कैटेगरी है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स की जो फैमिली है बच्चों, ये एक बहुत बड़ा परिवार है ना, और ये शुरू होता है नेचुरल नंबर से। जब आपने पढ़ना शुरू किया, है ना, जब आपने गिनती स्टार्ट की, काउंटिंग शुरू की ना, तो आपने सबसे पहला नंबर जो जाना वो 1 जाना, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 एट्सेट्रा, है ना। तो ये काउंटिंग नंबर्स हैं, इनसे हम लोग बचपन से परिचित हैं, है ना। तो नेचुरल नंबर्स क्या हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, है ना। काउंटिंग नंबर्स जितने भी हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और इन्हें नेचुरल जो वर्ड है उसका n हम लोग इसके लिए लेते हैं, जो अगर हम लोग इसका सेट एक नोट करेंगे। सेट क्या है, आप इसके बारे में सेट थ्योरी आप लोग काफ़ी डिटेल में आगे पढ़िएगा। सेट है कलेक्शन ऑफ नंबर्स, है ना। इसको शो किया जाता है, पहले तो सेट का कोई नाम हम लोग रखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ये जो सेट है इसको हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं, और कर्ल ब्रैकेट में जो भी इस सेट की, इस फैमिली का जो भी मेंबर्स हैं इस फैमिली के, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 एट्सेट्रा, एंड दिस इज गोइंग ऑन, है ना। क्यों? क्योंकि काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं। क्या आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो कौन है, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर जो है वो फाइंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है ना वो इनफिनाइट है। हम लोग जितना आगे चलें, जितना आगे हमें जाने की इच्छा हो, उतना हम आगे इसमें जा सकते हैं। हाँ, ये है कि जो नेचुरल नंबर्स की फैमिली शुरू होती है वो शुरू होती है 1 से, इसलिए लिस्ट नेचुरल नंबर जो है वो 1 है। यह हम आराम से यह हम कह सकते हैं कि द लिस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1 एंड देयर आर इन्फिनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर्स हम लोग समझ गए। आइए अब होल नंबर्स को जानते हैं। होल नंबर्स भी हमारे लिए नया नहीं है, हम लोग इसको भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। होल नंबर्स भी पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स भी पढ़ चुके हैं। हम लोग एक क्विक रिविज़न कर रहे हैं। होल नंबर्स जो हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0 फ्रॉम फॉर्म द कलेक्शन W ऑफ होल नंबर्स रिटन एज W = 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स से डिफरेंट नहीं है। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स की फैमिली में डिफरेंस है ना। होल नंबर्स की जो फैमिली है, होल नंबर्स का जो सेट है, उसमें एक एक्स्ट्रा मेंबर है जो कि नेचुरल नंबर्स की फैमिली नेचुरल नंबर्स के सेट में मौजूद नहीं था, और वो कौन है? ज़ीरो, है ना, ये ज़ीरो आप देख रहे हैं, ज़ीरो एक नया मेंबर जो है होल नंबर्स की फैमिली में ऐड हो गया है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ हम ये आराम से कह सकते हैं कि प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, क्योंकि हम होल नंबर की फैमिली में हर एक नेचुरल नंबर को देख रहे हैं। हाँ, लेकिन हर होल नंबर जो है, नॉट एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, है ना, प्रत्येक होल नंबर एक नेचुरल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि होल नंबर की फैमिली में एक मेंबर ऐसा है ज़ीरो, जो कि होल नंबर होते हुए भी नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के सेट में मौजूद नहीं है। तो होल नंबर्स के विषय में हम लोग क्या क्या रिमार्क्स दे सकते हैं? पहला कि द लिस्ट होल नंबर इज़ ज़ीरो, क्योंकि होल नंबर्स की फैमिली शुरू होती है ज़ीरो से। दूसरा, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी होल नंबर्स, है ना, जिस तरह से नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट हैं, तो हमें पता है कि होल नंबर्स में बस एक जो नया मेंबर आया वो ज़ीरो है, बाकी जितने भी हैं नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स चूँकि इनफाइनाइट हैं इसलिए होल नंबर्स भी इनफाइनाइट हैं, है ना, इनका भी हम लोग इनको लिमिट नहीं कर सकते कि ये कितने हैं। अगर ये सिर्फ ज़ीरो होता तो हम कहते कि ये वन है, लेकिन क्या है, ज़ीरो के अलावा जो भी इसमें नंबर्स मौजूद हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट हैं, इसलिए देयर आर इनफाइनाइटली मैनी होल नंबर्स। ओके, तीसरा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जैसा मैंने अभी तुरंत कहा, चूँकि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स की फैमिली में आते हैं। और ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स एज ज़ीरो इज़ अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना। आइए अब इंटीजर्स के विषय में जानते हैं। इंटीजर्स, है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स के सेट में कौन कौन है? ऑल नेचुरल नंबर्स हैं, ज़ीरो है एंड निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, है ना। देखिए, होल नंबर्स को W से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, इंटीजर्स को क्या है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z आफ्टर द जर्मन वर्ड ज़ेहलेन मीनिंग टू काउंट, है ना, जर्मन वर्ड है ज़ेहलेन, जो कि मतलब होता है इसका टू काउंट, मतलब गिनती, गिनना। तो उसके Z लेटर से हम लोग इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, शो करते हैं। और इंटीजर्स की फैमिली में आप देख रहे हैं कि यहाँ जो बाएं एंड पे देख रहे हैं ये भी डिफिनिट नहीं है, और दाएं एंड पे भी जो राइट एंड है उस पे भी डिफिनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी इनफाइनाइट होंगे। अगर नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट हैं तो उसके आगे हम अगर नेगेटिव साइन जोड़ते हैं तो वो भी इनफाइनाइट हो गए, है ना। उसी तरह से नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट तो हैं ही, तो यहाँ जो इंटीजर्स है उसके राइट एंड पे जो है वो नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं, लेफ्ट एंड पे जो है वो नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, और ठीक बीच में ज़ीरो है। तो इंटीजर्स में इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, इंटीजर्स में ज़ीरो भी मौजूद है, नेचुरल नंबर्स भी मौजूद हैं और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी मौजूद हैं। इसके लिए हम आराम से कह सकते हैं कि इंटीजर्स की फैमिली में नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी हैं। इसलिए प्रत्येक नेचुरल नंबर एक इंटीजर है, प्रत्येक होल नंबर भी एक इंटीजर है और प्रत्येक नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी एक इंटीजर है। इंटीजर्स कौन कौन है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। और ज़ीरो के विषय में जानिए कि ज़ीरो जो है वो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ज़ीरो ना तो नेगेटिव है ना, अगर आपके पॉकेट में ₹1 भी नहीं है तो आप के लिए ये लॉस भी नहीं है और गेन भी नहीं है, ₹1 भी नहीं है, मतलब ₹0 हैं, तो ये आपके लिए ना तो लॉस है और ना गेन है। इसलिए ज़ीरो जो है वो नाइदर नेगेटिव है और नॉट पॉजिटिव है। दूसरी बात कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स, ये हम लोग इंटीजर्स को डिफाइन करने के समय में ही देख लिए। क्यों भाई? क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर्स शामिल हैं और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स दोनों शामिल हैं, तो दोनों ही इनफाइनाइट होंगे, इसलिए देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ये भी सही है। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ये भी सही है। लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि प्रत्येक इंटीजर जो है वो एक होल नंबर है, तो क्या ये सही होगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि इंटीजर्स की फैमिली में होल नंबर्स तो हैं, लेकिन इसके अलावा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हैं उन्हें हम बाउंड नहीं कर सकते होल नंबर्स की फैमिली में, है ना, क्योंकि वो मौजूद नहीं है होल नंबर्स की फैमिली में। तो प्रत्येक इंटीजर जो है वो एक होल नंबर नहीं है, और इसी तरह से प्रत्येक इंटीजर नेचुरल नंबर भी नहीं है बच्चों, क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, और जो ज़ीरो है वो भी इस फैमिली में है, इंटीजर्स की फैमिली में। तो जीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हुए भी नेचुरल नंबर्स नहीं हैं, इसलिए प्रत्येक इंटीजर ना तो एक होल नंबर है और प्रत्येक इंटीजर एक नेचुरल नंबर भी नहीं है। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि प्रत्येक नेचुरल नंबर एक इंटीजर है और प्रत्येक होल नंबर एक इंटीजर है। ओके, हम लोगों ने इंटीजर्स को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट पहले भी किया है अपने प्रीवियस क्लासेज में। चलिए एक फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइन सेगमेंट पे क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइन की डिफिनीसन से आपको पता है कि लाइन जो होती है वो एंडलेस होती है, इन बोथ डायरेक्शंस, है ना। लाइन को हम लोग स्केल से मेजर नहीं कर सकते कि ये कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर की या कितने इंच की है ना। ये इनफाइनाइटली एक्सपेंड होती है दोनों तरफ। तो क्यों लाइन को क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि ये खुद एक इनफाइनाइट टर्म है ना। लाइन भी इनफाइनाइट है और हमें जिसको रिप्रेजेंट करना है वो भी इनफाइनाइट है। इसलिए जब हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग नंबर लाइन लेते हैं, ना कि लाइन सेगमेंट लेते हैं, है ना। अ नंबर लाइन इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन। ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स उस पर हम लोग वैल्यूज़ मार्क किए हुए हों, है ना। ग्रेजुएटेड का मतलब जिसमें वैल्यूज़ जो है वो डाली हुई होती हैं, है ना, पॉइंट्स डाले हुए होते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इतना, फिर इसके बाद अगर ऊपर जाते हैं तो इतना, है ना। ये मेडिसिन की बॉटल्स में जो उसके ऊपर जो है ढक्कन होता है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि वैल्यूज़ लिखे होते हैं, है ना। 1, 2.5 ml, 3 ml, 4 ml। तो ये ग्रेजुएटेड इसी को कहा जाता है, मतलब वैल्यूज़ उस पर मार्क की हुई होती है। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे वैल्यूज़ मार्क करते हैं, ठीक है। तो नंबर्स को, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन लेते हैं एक्स वाई, है ना। यहाँ पे एक लाइन है एक्स वाई, इसके बीच में, हालांकि चूँकि लाइन इनफाइनाइट है इसलिए इसका मिड पॉइंट भी हम लोग एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि कौन इसका मिड पॉइंट है ना। चूँकि इनफाइनाइट है तो हम लोग मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ आपकी सहूलियत के लिए, चूँकि यहाँ जो एक लाइन दी गई है आपको एक्स वाई, तो वहाँ हम लोग जनरली बीच में इसको ऑरिजिन रखते हैं, ज़ीरो को रखते हैं। ज़ीरो हमने बताया, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से इसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। यहाँ से हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे, मतलब 1 या -1 बोलेंगे इसके बाद, है ना। तो यहाँ हम लोगों ने ज़ीरो को रखा, ज़ीरो को ओ से हम लोगों ने डिनोट किया, और नंबर लाइन पे राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को रखते हैं और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स को रखते हैं। तो ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। आप लोग इसमें बस करना ये है कि हम लोगों को एक फिक्स इंटरवल चुनना है ना। एक फिक्स इंटरवल पे हम लोग जो है इस नंबर लाइन पे, जैसे हम लोग 1 सेंटीमीटर को एक यूनिट मानते हैं, तो प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पे हम लोगों को एक नंबर को रिप्रेजेंट करना है। जैसे जीरो के बाद 1 सेंटीमीटर पे 1 मार्क करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर पे 2 मार्क करेंगे, फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर पे 3 मार्क करेंगे। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर का गैप रखते हुए हम लोग -1, -2, -3, -4, -5 मार्क करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे इंटीजर्स को शो कर सकते हैं। आइए जानते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर से पहले हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को बहुत अच्छे से जान लिया है। एक्चुअली रेशनल नंबर्स जो हैं इन तीनों नंबर्स को इंक्लूड करते हैं और इसके अलावा इसमें फ्रैक्शंस भी आते हैं, और फ्रैक्शंस के आगे अगर हम एक नेगेटिव साइन जोड़ दें तो जो नंबर्स हमें मिलते हैं वो भी आते हैं, है ना। रेशनल नंबर्स हैं क्या? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q और p/q जो बोलिए इसको, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ हम देख रहे हैं कि p एंड q जो हैं वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हैं इसका क्या मतलब है कि p और q वो कोई भी वैल्यू अटेन कर सकते हैं जो एक इंटीजर है। बस यहाँ कंडीशन ये है, हम जानते हैं कि 0 भी एक इंटीजर है ना, लेकिन q का वैल्यू जो है बच्चों वो 0 नहीं होना है। किसी भी हालत में हमें नीचे 0 नहीं चाहिए, है ना। q का वैल्यू 0 नहीं होना है। बाकी p जो है वो 0 भी हो सकता है, कोई नेचुरल नंबर 1, 2, 3 हो सकता है, और कोई नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स -1, -2, -3 भी हो सकता है ना। तो p कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है जो एक इंटीजर है ना। q भी कोई वैल्यू अटेन कर सकता है जो एक इंटीजर है, सिवाय किसके? सिवाय 0 के, है ना। q का वैल्यू 0 नहीं होना है। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय q एंड इज रिटन एज q इज इक्वल टू p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक छोटा सा फॉर्म है रेशनल नंबर्स को डिनोट करने का, है ना। p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो एंड क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड कोसेंट, है ना। तो रेशियो से हम देख रहे हैं कि यहाँ अपॉन के फॉर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, बाई बोल रहे हैं p/q, है ना, या p/q बोल रहे हैं। तो ये एक रेशियो है दो नंबर्स का, और रेशियो का जो वैल्यू होगा हम लोग उसको डिवीज़न करेंगे, है ना। फ्रैक्शन है इसका मतलब वो एक डिवीज़न है, डिवीज़न करेंगे तो हमें एक कोसेंट मिलेगा। तो इसलिए रेशियो और कोसेंट जो हैं वो एक फ्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं, है ना, एक रेशनल नंबर से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग इसकी जब नेमिंग करते हैं तो रेशियो से इसको रेशनल बोलते हैं, और जब हम इसे डिनोट करते हैं तो कोसेंट के क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको पता हो गया कि 0 भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि p जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो p का वैल्यू 0 भी हो सकता है ना। तो 0 भी एक इंटीजर है, क्योंकि हम इसे 0/1 जो है डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और देयर आर इन्फिनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि इस रेशनल नंबर की फैमिली में नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स ये दोनों ही इंडलेस हैं, इसलिए चूंकि ये इसके मेंबर्स हैं तो ये इसको भी इंडलेस बनाएंगे, मतलब ये भी इनफिनाइट होगा। देयर इज नो लिस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर, चूंकि ये इनफिनाइट है इन बोथ द डायरेक्शंस, चाहे निगेटिव डायरेक्शन में हम लोग नंबर लाइन पर चलें या पॉजिटिव डायरेक्शन में चलें, दोनों ही साइड में ये जो हैं इंडलेस हैं। इसलिए ना तो हम सबसे छोटा रेशनल नंबर बोल सकते हैं और ना ही सबसे बड़ा रेशनल नंबर बोल सकते हैं। 0 इज अ रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट 0 = 0/1। आपको याद रखना है कि 0 ना तो सबसे छोटा इंटीजर है और ना ही सबसे छोटा रेशनल नंबर है। सबसे छोटा होल नंबर भले है, लेकिन 0 जो है वो ना तो सबसे छोटा इंटीजर है और ना ही सबसे छोटा रेशनल नंबर है। एक्चुअली सबसे छोटा इंटीजर भी फाइंड नहीं किया जा सकता और सबसे छोटा रेशनल नंबर भी फाइंड नहीं किया जा सकता, और इसी तरह से सबसे बड़ा रेशनल नंबर भी फाइंड नहीं कर सकते हम लोग और सबसे बड़ा इंटीजर भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने रेशनल नंबर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया। रेशनल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। रेशनल नंबर्स की फैमिली में नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं और इंटीजर्स भी हैं। आइए अब जानते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि रेशनल नंबर्स जो हैं वो बस एक ही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। यूनिक रिप्रेजेंटेशन इनका जो है वो नहीं होता, बल्कि इनको दूसरे फॉर्म्स में भी लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ जो एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, 10 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू, है ना, एंड इट इज़ गोइंग ऑन 15/30, 16/32, 144/288, है ना, 144/288। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हम जो है इसके जो न्यूमरेटर हैं और डिनोमिनेटर है इसका, उसको हम लोग किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस तरह से हमको क्या हो रहा है कि इसके जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो चेंज हो रहा है और हम लोग सेम रेशनल नंबर्स को अलग अलग फॉर्म में देख पा रहे हैं। तो इस तरह हम जो है इसका इक्विवेलेंट फॉर्म जो है जितना चाहें उतना बना सकते हैं। और ये सभी जो है दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। मतलब 144/288, 16/32, 15/30, 4/8, 3/6, ये सभी क्या हैं, ये सभी 1/2 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स यहाँ पे जो भी हैं ये लोग इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, 1/2 है। और इसके इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं 2/4, 3/6, 4/8 एंड सो ऑन। सिंपलेस्ट फॉर्म आपको नीचे सिंपलेस्ट फॉर्म बताया जा रहा है, मैंने बता ही दिया। अ रेशनल नंबर p by q is said to be in its simplest form if p and q are integers having no common factor other than 1। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 और 2 में कोई भी कॉमन फैक्टर जो है, एक को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, है ना। मतलब अगर हम डिवाइड करना चाहें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमें जो हाईएस्ट नंबर मिलेगा जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर मिलेगा, वो 1 मिलेगा, है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं कि p एंड q आर को प्राइम्स। इसे हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि p एंड q जो हैं वो शुड बी को प्राइम्स होने चाहिए, मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे दो नंबर जो हैं वो को प्राइम्स कहलाते हैं बच्चों। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये तो चूँकि अब रेशनल नंबर है तो q तो ज़ीरो होना ही नहीं है, चाहे वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर हो, q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। आइए एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, वी हैव 4/7 इज इक्वल टू 4 × 2/7 × 2 इज इक्वल टू 4 × 3/7 × 3। कहने का ये मतलब है कि हम लोग इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अलग अलग नंबर से कहने का मतलब एक ही नंबर से इसके ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना है। अलग अलग नंबर हम इस काम के लिए चुन सकते हैं, जितने चाहें उतने नंबर हम चुन सकते हैं, है ना। तो जिस फैक्टर से इसका न्यूमरेटर बढ़ेगा उसी फैक्टर से इसका डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, इसलिए जो रिजल्टिंग हमको रेशनल नंबर मिलेगा वो इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल रेशनल नंबर होगा। इस तरह से हम लोग यहाँ 4/7 इज इक्वल टू 8/14 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 12/21 इज इक्वल टू 16/28 इज इक्वल टू 20/35 पाते हैं। इस तरह से जो 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7 हैं वो क्या है, 8/14, 12/21, 16/28 एंड 20/25। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन, है ना। हम लोग नंबर लाइन पे सिंपल जो नंबर्स हैं, है ना, उन्हें रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। नेचुरल नंबर्स हों या इंटीजर्स हों, कहने का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ हों या नेगेटिव वैल्यूज़ हों, हम जानते हैं इन्हें नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन क्यों हम लोग लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि लाइन जो है बच्चों वो इनफाइनाइट होता है और जो नंबर्स हैं वो भी इनफाइनाइट हैं, इसलिए हम लोग लाइन सेगमेंट नहीं लेते, लाइन लेते हैं, है ना, लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और इसलिए ये नंबर लाइन कहलाता है। तो हम लोग एक लाइन लेते हैं, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई विच एक्सटेंड्स एंडलेस इन बोथ द डायरेक्शंस, है ना। तो आइडियली जो हम लोग लाइन ले रहे हैं ये एक पेपर पे खींच रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे एंडलेसली ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन ये लाइन है, इसका मतलब ये इसमें ये अंडरस्टूड है कि ये बोथ डायरेक्शंस में जो है वो एंडलेस है, वो हम ये मूव कर सकता है, है ना। टेक अ पॉइंट ओ ऑन इट एंड लेट इट रिप्रेजेंट ज़ीरो। हम लोग बीच में क्या करते हैं, ऑरिजिन लेते हैं, है ना, जहाँ से कि हमें शुरू करना है, पॉजिटिव नंबर्स को और नेगेटिव नंबर्स को। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे नंबर्स के केस में जो है मतलब नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स के केस में हम लोग एक स्केल चुनते थे, मैंने बताया वहाँ पर कि आप 1 सेंटीमीटर का या हाफ सेंटीमीटर का, मतलब जो भी हो आपको जो सवाल के अनुसार से, जो क्वेश्चन के अनुसार से और पेपर के साइज़ के अनुसार से आपको सही हो, वो आप एक यूनिट चुन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो OB है, OB इसको देखिए, द मिड पॉइंट बी ऑफ OA डिनोट्स द रेशनल नंबर 1/2। क्यों? क्योंकि OA को हम लोग एक यूनिट मान रहे हैं, OA को हम लोग एक यूनिट मान रहे हैं। ये जो O और A के बीच का जो डिस्टेंस है इस नंबर लाइन पे, इसको हम लोग एक यूनिट मान रहे हैं। तो एक यूनिट का जो बीच वाला पोर्शन होगा बच्चों, वो होगा हाफ, है ना, मतलब 2 डिवीज़न हो गए, O और A के बीच 2 डिवीज़न हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें जो हम लोग 0 से पहला डिवीज़न पे चलेंगे तो ये 2 में से 1 हुआ, है ना। फ्रैक्शन आप लोग रिकलेक्ट कीजिए, फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये अभी एक फ्रैक्शन हो रहा है ना, मतलब 2 में से 1, तो 1/2 इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से OB जो है वो हाफ यूनिट है। और इसी तरह से हमने नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स को लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, है ना, इसको अगर हम लोग OC बोलें, है ना, -2/2, ये क्या है, -1। तो 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आपका -1 है, और इसके बीच का जो पॉइंट होगा वो -1/2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर A के बाद यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 4/2 है। ये जो 4/2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, ठीक ना। तो ये 1 और 2 के बीच का जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 3/2, है ना। कहने का देखिए 3/2 क्या है, 3/2 जो है जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये होगा 1/1/2, 1/1/2। तो यहाँ पर जो OA है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद जो अगला यूनिट है मतलब 1/1/2, कहने का मतलब 1 + 1/2 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये 1 है। और यहाँ पर A और 4/2 ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये है आपका 1 यूनिट, और इसको आप हाफ कर दीजिएगा तो यहाँ 1 के बाद 1 और हाफ मिलता है। दैट मीन्स कि O से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 3/2। इसी तरह से सिमिलरली फ्रॉम द पॉइंट ओ ऑन इट्स लेफ्ट द पॉइंट्स एट डिस्टेंसेज इक्वल टू ओ बी, टू ओ बी, थ्री ओ बी, फोर ओ बी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग इसको जब क्वेश्चंस पे आएंगे तो आप लोग इसे और अच्छे से समझ पाइएगा। मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी सॉल्व करके बताऊंगा, है ना। चलिए एक इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स आप लोग देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। एग्जांपल सेकंड, रिप्रेजेंट, जो पहला क्वेश्चन है, 2 होल 3/8 एंड सेकंड -1 होल 5/7 ऑन रियल लाइन। सबसे पहले 2 होल 3/8 को देखते हैं। इसका मतलब क्या है, 2 2 + 3/8। सबसे पहले तो हम लोग एक लाइन जो है वो ड्रॉ किए। ड्रॉ अ लाइन XY एंड टेकिंग अ फिक्स्ड लेंथ एज अ यूनिट लेंथ, रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन दिस लाइन, है ना। एक फिक्स्ड लेंथ हम लोगों ने चुना और उसके हिसाब से हम लोगों ने इस पर सबसे पहले इंटीजर्स रिप्रेजेंट किए। इंटीजर्स कहने का मतलब 1 2 3 या -1 2 3। चूँकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव भी वैल्यू रिप्रेजेंट करना है और माइनस वैल्यू भी रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम दोनों ही ले रहे हैं। अगर दोनों में से कोई एक ही नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव वैल्यू ही रिप्रेजेंट करना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि पेपर के साइज़ के मुताबिक, अगर आपके पास पेपर साइज़ जो है वो इतना स्पेस है कि आप उसमें नेगेटिव भी शो कर सकते हैं, तो 1 या 2 नेगेटिव नंबर्स भी आप उस पर लेफ़्ट साइड में शो कर दो। अगर नहीं है तो हम सिर्फ ये जो 0 आप देख रहे हो, इस 0 को हम लोग लाइन पर यहाँ रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये जो है वो अब बीच में नहीं है, वो अभी भी बीच में है, क्योंकि ये एक लाइन है। हम लोग सिर्फ पेपर पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये इंडलेस है। अगर यहाँ भी 0 हम बीच में मार्क करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि फिर इधर जो है वो वैल्यूज़ हम इंटर नहीं कर सकते, है ना। हम बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हमें एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो हम लेफ़्ट साइड में 0 को मार्क करके अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें दोनों करना है, इसलिए हम लोग इसको बीच में रख रहे हैं, ठीक ना। तो ये आपके पेपर के साइज़ पर और आपकी सुविधा पर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। तो यहाँ पे हमें 2 होल 3/8 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें सबसे पहले इस तरह से सोचिए कि 2 होल 3/8 क्या है। 2 होल 3/8 का मतलब है बच्चों, 2 + 3/8, है ना, 2 + 3/8। तो हम लोगों ने पहले यूनिट तो चुन ही लिया है कि OA जो है वो हमारा 1 यूनिट है, AB जो है वो 2 यूनिट है, AB दूसरा यूनिट है। तो AB अगर दूसरा यूनिट है तो O से लेके B के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमारा 2 है ना। और B और C, BC तीसरा यूनिट है, तो O और C के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से अगर हम OC बोलें तो ये 3 यूनिट है, OB 2 यूनिट्स है और OA 1 यूनिट है। तो हमें 2 होल 3/8 का मतलब 2 + 3/8 यूनिट चाहिए, मतलब 2 यूनिट और उसके बाद 3/8 यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि जो तीसरा यूनिट है उसको 8 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना। देखिए 3/8 जो है वो फ्रैक्शन है, 8 मतलब 3 आउट ऑफ 8, है ना, 3 आउट ऑफ 8, मतलब 8 इक्वल पार्ट्स में हमें 3 को चुनना है 2 के बाद। तो 2 यूनिट हम ऑलरेडी OB ड्रॉ कर चुके हैं, OB जो है वो 2 यूनिट है। और इसके बाद आप क्या करो, B और C के बीच 8 इक्वल पार्ट्स जो है वो मार्क कीजिए और उसके बाद जो पहला 3 पार्ट है ना, B के बाद आप जो इसके 3 पार्ट्स हैं वो काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो P आप देख रहे हो, तो ये जो पॉइंट है P, ये तीसरे पार्ट को डिनोट कर रहा है, इसलिए BP अगर हम बात करें, BP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, BP रिप्रेजेंट कर रहा है 3/8 को, OB रिप्रेजेंट कर रहा है 2 यूनिट्स को और बीपी रिप्रेजेंट कर रहा है 3/8 को, इसलिए ओपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2 होल 3/8 है ना। इसी तरह से -1 होल 5/7 तो हम लोग ओडी जो है इसको हम लोग -1 यूनिट के रूप में चुने हैं। और जो डीई है ये दूसरा यूनिट है, निगेटिव यूनिट है ना। ओडी पहला यूनिट है मेरा और डीई दूसरा यूनिट है, तो ओई क्या है वो माइनस टोटल जो है डिस्टेंस ओई जो है वो -2 यूनिट्स हैं और ओडी -1 यूनिट है। तो हमें -1 यूनिट के बाद 5/7 यूनिट चाहिए है ना। तो हम क्या करेंगे, -1 तो ओडी है ही, इसके बाद जो अगला यूनिट है जो अगली इकाई है उसको हम लोग क्या करेंगे 5/7 है ना। दैट मीन्स 5/7 इक्वल पार्ट्स, तो 7 इक्वल पार्ट्स में आप इसको डी ई को जो है वो डिवाइड करो और इसके बाद डी तक हमारा एक -यूनिट पूरा हो चुका है ना। हम -1 ऑलरेडी पा चुके हैं, हमें 5/7 और चाहिए। तो इन 7 इक्वल पार्ट्स में से हम लोग क्या करेंगे D के बाद 5 पार्ट्स जो है वो काउंट करेंगे और हम जब Q पर आते हैं तो ये 5 पार्ट्स हमारा जो है वो पूरा हो जाता है। इसका मतलब 7 इक्वल पार्ट्स में ये जो DQ जो डिस्टेंस है बच्चों ये क्या है हमारा 5/7 है ना, -5/7 है सॉरी। ये DQ जो है वो -5/7 है। तो -1 होल 5/7 का मतलब था -1 + -5/7। तो यहाँ पर OD हमारा -1 था और DQ हमारा -5/7 हो गया। इस तरह से हमारा जो OQ है जो ये डिस्टेंस मिल रहा है हमें OQ क्या हो गया, OQ -1 होल 5/7 को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए ये जो पॉइंट है Q ये रिप्रेजेंट करेगा -1 होल 5/7। ठीक है, आगे हम लोग सवाल में भी इसको सॉल्व करने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। और मैं समझता हूँ कि जितना मैंने इस सवाल में एक्सप्लेन किया है तो आपको बहुत हद तक जो है वो इसका कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स। मतलब हमें 2 गिवन रेशनल नंबर्स के बीच रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। जैसे हम लोग जानते हैं अगर इंटीजर्स की बात करें तो 4 और 6 के बीच एक इंटीजर है, कौन 5 है ना। 5.5 नहीं है क्योंकि 5.5 जो है वो इंटीजर नहीं है। 4 और 6 के बीच एक इंटीजर 5 है। 4 और 8 के बीच अगर बात करें तो 5, 6, 7 है। इसी तरह से नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हैं अगर हम -4 और -6 के बीच बात करें तो क्या है, यहाँ पे आपको -4 और -6 के बीच, यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझना होगा अगर -4, -6 के बीच बात करते हैं तो पहले ये समझना होगा कि इनमें से स्मॉलर कौन है। इसमें स्मॉलर जो है बच्चों वो है -4 नहीं बल्कि -6। तो हमें -6 से -4 की तरफ चलना है। तो -6 के बाद -5 आएगा। तो -4 और -6 के बीच जो नंबर है वो क्या है -5 है ना। तो यहाँ पे हमें रेशनल नंबर्स के बीच फाइंड करना है। तो रेशनल नंबर देखिए इसको एक एग्जांपल के तौर पे, इसका एक्चुअली इसके कुछ मेथड्स है बच्चों। अगर हमें 2 रेशनल नंबर्स के बीच एक रेशनल नंबर निकालना है, ओनली 1 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो अभी जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ मेथड 1 उसको फॉलो करना है। एक्चुअली आप इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। जैसे अगर 4 और 6 के बीच आपको कहा जाए कि आप एक नंबर जो है वो बताइए, एक इंटीजर बताइए, तो आप जानते हैं कि 4 और 6 के बीच 5 है। और इसको एक दूसरे तरीके से सोचिए, 4 + 6 को डिवाइड 4 + 6 कीजिए और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कीजिए है ना। तो 4 + 6 क्या होता है 10 होता है, उसको 2 से डिवाइड आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5। तो इसका ये मतलब निकल रहा है कि अगर दो नंबर्स को हम ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो जो बीच का जो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो दोनों के एकदम बीच वाला नंबर मिलता है, ठीक ना। तो ये रेशनल नंबर्स पर भी लागू होता है, इसलिए हमें अगर दो रेशनल नंबर्स के बीच ओनली वन रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो हम हमेशा क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका तरीका यही होगा कि हम लोग लेट x इज इक्वल टू 1/3 एंड y इज इक्वल टू 1/2 इस तरह से एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें फार्मूला जो है लिखने में आसानी हो, हाफ इंटू होल ऑफ एक्स प्लस वाई। इसलिए एक्स के रूप में हम 1/3 को एज्यूम करते हैं, वाई के रूप में हाफ को एज्यूम करते हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन एक्स एंड वाई हम लोग लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपको मिल रहा है 5/12। तो ये क्या है, 1/3 और 1/2 के बीच का एक रेशनल नंबर है। अगर हमें एक से ज़्यादा रेशनल नंबर चाहिए होते तो उसके और भी प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस को भी हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ये जो प्रोसेस है ये दो रेशनल नंबर्स के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड करने का प्रोसेस है। ओके, अब ये दो रेशनल नंबर्स में से कोई एक पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा नेगेटिव हो सकता है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ 2/3 देख रहे हैं हम लोग, है ना, -3/4 देख रहे हैं, तो यहाँ पे ठीक उसी तरह से हम लोग काम करेंगे, सॉल्व करेंगे, हम लोगों को इसका आंसर जो है वो मिल जाए। इसका देखिए एक दूसरा फॉर्म जो है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -3। देखिए अगर हमें -2 और -3 के बीच एक रेशनल नंबर चाहिए होता तो हम क्या करते, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते, ठीक बिल्कुल। तो वो नंबर -2 और -3 के बीच होता। अब वो जो नंबर निकलेगा उसके और -2 के बीच भी हम ये प्रोसेस लगा सकते हैं, और उसी तरह से उसके और -3 के बीच भी ये प्रोसेस लगा सकते हैं, और ये हम जितना चाहें उतनी बार कर सकते हैं। और इस तरह से इन दो नंबर्स के बीच हम बहुत सारे रेशनल नंबर्स जितना चाहें उतना हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 हमें फाइंड करने हैं, तो एक पहला जो होगा वो दोनों का जो सम है उसको हाफ करके हमें मिलेगा, है ना। रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन -2 एंड -3 इज हाफ इंटू होल ऑफ -2 प्लस -3, ये हमें मिल जाएगा -5/2। अब नाउ आर रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन -2 एंड -5/2, मतलब ये दोनों के बीच जो नंबर मिला उसके और -2 के बीच हमें फाइंड कर, उसी तरह से हम फाइंड करके -9/4 हासिल कर सकते हैं। और फिर -5/2 और -3 के बीच अगर हमें फाइंड करना हो तो हम फिर उसी तरह से -5/2 और -3 को ऐड करके जो है उसे 2 से डिवाइड करके जो है हम तीसरा रेशनल नंबर जो है वो निकाल सकते हैं, है ना। तो ये जो भी हमें नंबर्स मिले वो -2 और -3 के बीच ही होंगे। ओके, तो अगर आपको 2 इंटीजर्स दिए हुए हों, है ना, देखिए ये जो हमें गिवन है यहाँ पे रेशनल नंबर्स, ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, है ना। ये नीचे जो है हम डिनोमिनेटर देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं। तो अगर इस तरह का सवाल आपको मिलता है और उसमें आपको 3 रेशनल नंबर्स 4 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो ये प्रोसेस आपके लिए इजी हो सकता है, यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे मेथड की ओर। Suppose we are required to find n rational numbers between 2 rational numbers x and y with like denominators। ये जो मेथड है ये क्या है, ऐसे 2 रेशनल नंबर्स जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, है ना, जैसे 1/2 और 3/2, 5/4, 7/4, इस तरह का अगर आपको मिलता है क्वेश्चन और उसमें आपको n रेशनल नंबर्स निकालने हैं। अगर हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो वहाँ पे n का वैल्यू 5 है, है ना। अगर हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो वहाँ पे n का वैल्यू 6 है। तो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स जितने हमें फाइंड करने हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वी कन्वर्ट द गिवन रेशनल नंबर्स इंटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को पढ़ चुके हैं, है ना। वहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें जो रेशनल नंबर मिल रहा था वो सेम रेशनल नंबर मिल रहा था, बस उसका फॉर्म चेंज हो जा रहा है, ठीक ना। तो हमें बस उसको यहाँ पर भी वही काम करना है, उसको हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है, जिससे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर यहाँ पे क्या होगा, n+1 होगा। जितने रेशनल नंबर्स हमें चाहिए, है ना, जितने रेशनल नंबर्स हमें चाहिए उसमें हमें क्या करना है, एक ज़्यादा करके, है ना, 1 इंक्रीज करके n+1 से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और इस तरह से हमें दोनों को जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में चेंज करना है। नाउ द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स में भी मैनुअली चूजन। अब हम दोनों को इक्विवेलेंट में बदल दिए तो अब हम आराम से दोनों के बीच फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो कि दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है, 5 और 5। तो यहाँ पे हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ n का वैल्यू क्या है, 5 है। तो हम लोग मानते हैं लेट n = 5। वी कन्वर्ट 3/5 एंड 4/5 इंटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1, दैट इज 6। तो हम लोग जैसे अभी रूल में हम लोगों ने पढ़ा कि हमें करना क्या है, n का वैल्यू 1 से इंक्रीज करना है और उसी से दोनों ही जो गिवन रेशनल नंबर्स हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में चेंज करना है। तो यहाँ पे 3/5 जो है 10, 3/5 = ये क्या हो जाएगा, हम लोग 6 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमें मिलेगा 18/30। और इसी तरह से 4/5 को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में चेंज करेंगे, ये मिल जाएगा हमें 4 × 6/5 × 6, दिस विल बी 24/30, है ना। तो अब हमें जो 3/5 था वो मिल रहा है 18/30 और 4/5 जो है वो आ रहा है 24/30। तो जो रिजल्टिंग रेशनल नंबर्स हैं वो हैं 18/30 और 24/30। तो हमें जो 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे 3/5 एंड 4/5 के बीच, वो अब हम सोचेंगे 18/30 और 24/30 के बीच, है ना। तो यहाँ पे बहुत आसान हो गया। अब 18 से 24 की तरफ आप चलिए, क्या मिलेगा, 19, 20, 21, 22, 23, है ना। इस तरह से आराम से आपको 1, 2, 3, 4, 5, 19 to 23 जो है वो आपको 5 इंटीजर्स हैं, है ना। तो नीचे सारे इंटीजर्स के नीचे जो डिनोमिनेटर्स हम देख रहे हैं सारे रेशनल नंबर्स में, वो यहाँ पे 30 ही होगा, है ना। डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम है, इसलिए ये बहुत आसान प्रोसेस है। डिनोमिनेटर्स तो बिल्कुल सेम हो गए, बस हमें ऊपर जो है वो बढ़ते चले जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 18/30 और 24/30 के बीच 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 जो है वो 5 रेशनल नंबर्स मिल गए। और 18/30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 3/5 को। 24/30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 4/5 को, है ना। ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स थे इन दोनों के। तो इस तरह से ये जो मिले हमें 5 रेशनल नंबर्स, वो उन्हीं दोनों नंबर्स के बीच मिले जो कि हमें सवाल में दिए गए थे। हैंस 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर दिस, ओके। इसी तरह से आप लोग जितने चाहें उतने जो है वो रेशनल नंबर्स, दो नंबर्स के बीच फाइंड कर सकते हैं। देखिए अभी जो सवाल हम लोगों ने एग्जांपल देखा, उसके पहले के एग्जांपल हमने देखा था जिसमें कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स दिए हुए थे और उनके बीच हमें 3 रेशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड करने थे। यहाँ पे फिर से 2 इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर यहाँ 1 है और हमें यहाँ इनके बीच 6 जो है रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम वो प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम पहला रेशनल नंबर फाइंड करें, 3 and 4 को सम करके उसको 2 से डिवाइड करके, है ना, दैट विल बी 7/2। 3 + 4/2 जो है वो हो जाएगा 7/2। उसके बाद हम लोग 3 और 7/2 के बीच फाइंड करें, फिर 7/2 और 4 के बीच भी फाइंड करें, है ना। और 3 और 7/2 के बीच जो मिला उसके और 3 के बीच भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब जितना चाहें उतनी बार हम ये काम कर सकते हैं, मतलब मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं 2 से डिवाइड करके। लेकिन 3 रेशनल नंबर्स तक की बात तो सही है बच्चों, लेकिन जब हमें 3 से ज़्यादा निकालने होते हैं तो फिर ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है और हमें ऐसे प्रोसेस की तरफ चलना है जहां हम कैलकुलेशन से बच सकें, कैलकुलेशन हमारा इजियर से इजियर हो, है ना। तो इसलिए हम जब 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स हो जाते हैं 2 इंटीजर्स के बीच में, तो वो प्रोसेस अवॉइड करके हम लोग अभी जो प्रोसेस हम लोगों ने जाना इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स वाला, यही प्रोसेस हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 6 रेशनल नंबर निकालना है तो n का वैल्यू 6 है, ठीक उसी तरह से n+1 यहाँ पे 7 होगा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा हमारा। हम लोग 3 और 4 को जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में बदलेंगे 7 से मल्टीप्लाई करके इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। यहाँ पर जो 3 का डिनोमिनेटर है वो क्या है 1 है, 4 का डिनोमिनेटर 1 है, तो 3 = 3/1 और यहाँ हम 3 × 7/1 × 7 करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 21/7 एंड सिमिलरली 4 विल बी इक्वल टू 28/7। अब हमें जो फाइंड करना है वो 21/7 और 28/7 के बीच फाइंड करना है। आराम से 21 से 28 की तरफ बढ़िए काउंटिंग करते हुए 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो यहाँ जो आपको बीच में ये 6 नंबर मिल रहे हैं, ये 6 नंबर्स मिल रहे हैं, ये दोनों के बीच 6 रेशनल नंबर्स हमें मिल गए। तो ये 3 और 4 के बीच हमें 6 रेशनल नंबर्स मिल गए। तो ये हैं आपके रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स। तो चाहे जितने भी हों हम आराम से ये प्रोसेस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल्स उसके हैं उनको कभी भी अवॉइड मत कीजिए। किसी भी चैप्टर पे जाने से पहले आप सबसे पहले उसके एग्जाम्पल सॉल्व करो। आपको आधा कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व करने से ही जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप सारे एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो आपको लगभग उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मजबूत हो जाएगा, और जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आपको कम से कम प्रॉब्लम होगी। आपकी जो किताब है, आपका जो बुक है, वो आपका पहला टीचर है ना। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए, थोड़ा सा समय अगर आप अपने चैप्टर की थ्योरी पे दोगे, उसके जो रूल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको खुद क्लियर हो जाएंगी बगैर टीचर के। इसलिए जब भी किसी चैप्टर पे आप जाते हो तो उसमें जो रूल्स हैं वो बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसके एग्जाम्पल्स जो हैं उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए, है ना। इससे आपको उस चैप्टर का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब बाकी बात जहाँ दिक्कत है एक्सरसाइजेज में, उसके लिए तो मैं हूँ ही आपके साथ। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल सॉल्व करने का क्या फ़ायदा होता है। यहाँ देखिए एक फिर आपको एक नया सवाल मिल रहा है, इंसर्ट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/13 एंड 6/13। तो अब क्या लग रहा है, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, लेकिन क्या हमें इसको 11 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत थी? आप देखिए, लकीर के फ़कीर नहीं बनना है। आपको प्रोसेस बताया गया कि आपको अगर लाइक डिनोमिनेटर्स हों तो हमें क्या करना है, जितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें एक बढ़ाकर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बीच बाद में हमें आराम से मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई करना है। यहाँ पे यह जो नंबर है 5/13, ये -5/13 है, दिस इज़ नॉट 5/13। तो अगर 5/13 और 6/13 रहता तो हम दोनों के बीच इस तरह से 10 रेशनल नंबर्स फाइंड इजीली नहीं कर पाते, क्योंकि 5 के बाद 6 आता है। तो आप कहोगे कि फिर बीच में क्या होगा, तो फिर हमें वो प्रोसेस अपनाना होता, हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होता 5 और 13 को और 6 और 13 को। लेकिन यहाँ पे -5/13 है, इसका मतलब ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर्स है। तो हमें यहाँ से 6/13 की तरफ हम आराम से, देखिए -5 के बाद जब बढ़ेंगे, -5 से बड़ा वैल्यू क्या होगा, -4 होगा। -4 के बाद उससे बड़ा वैल्यू -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा और फिर 0 होगा, है ना। 0 भी एक रेशनल नंबर है, ये तो आप जानते ही हैं। इस तरह से 0 पे आने के बाद फिर 1 2 3 4 5 6, तो आपको कितने रेशनल नंबर्स मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से आपको यहाँ पे जो हैं 10 रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मोर देन 10 रेशनल नंबर्स आपसे पूछे जाते तो फिर यह प्रोसेस आपका काम नहीं कर पाता, क्योंकि 5/13 पे आने के बाद फिर आप रुक जाते, अगला रेशनल नंबर आपको इस तरह से नहीं मिलता। तो आपको हमेशा अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है। मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ नहीं है हिस्ट्री, ज्योग्राफी या बाकी सब्जेक्ट्स की तरह, जिसको हम लोग अगर उसके आंसर्स याद कर लें तो हर क्वेश्चन हम लोग जो है एग्ज़ाम में जाके आराम से उसको लिख के आ जाएंगे। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सवाल को, क्वेश्चन को हमेशा ट्विस्ट किया जा सकता है ना। यहाँ आपका कॉन्सेप्ट ही आपके काम आएगा। आपको हमेशा अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और चौकन्ना रहना है। ये नहीं कि एक रूल पढ़े हुए हैं हम लोग तो सवाल मिला और हर जगह वही रूल अप्लाई करेंगे, है ना। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस रूल में वेरी, है ना, और हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेगा। अगर हमें 2 रेशनल नंबर्स के बीच रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आपका जो फ्रेंड है उसका प्रोसेस दूसरा हो सकता है और आपका प्रोसेस दूसरा हो सकता है। आप यहाँ देखोगे, अगर आप आंसर्स मैच करते हो बनाने के बाद एक्सरसाइज में, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैच ना करे आपकी बुक में दिए गए आंसर से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। एक्चुअली हम कौन सा प्रोसेस चुन रहे हैं रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, उस पर आपके आंसर्स जो है वो डिपेंड करेंगे। चूँकि 2 रेशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं बच्चों, है ना, उसका कोई एंड नहीं है, वो एंडलेस है। तो हम कौन सा प्रोसेस चुनते हैं 2 रेशनल नंबर्स के बीच रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, इसके ऊपर हमारा जो है वो आंसर डिपेंड करेगा। आइए नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ जो एग्जाम्पल लाइन है आपका, ये 100 रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो 100 क्या 200 300 भी बोला जा सकता है आपको। हालांकि जब आप इसका आंसर करोगे तो वो सारे नंबर्स लिखने ज़रूरी नहीं है, आप डॉट डॉट दे के इस तरह से दिखा सकते हो कि हम यहाँ से यहाँ बीच में जो है वो चल रहे हैं। तो मेथड 3 जो है वो कब काम करेगा? सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स x एंड y, स्पेशली दोज विथ अनलाइक डिनोमिनेटर्स। मतलब देखिए, यहाँ जो भी प्रोसेस आपको बताया जा रहा है वो कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट वो किस केस में रहेगा ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ, है ना, कि कहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करने से आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे यह जो मेथड 3 हम लोग देख रहे हैं ये तब अच्छा होगा आपके लिए जब आपको 2 ऐसे रेशनल नंबर्स दिए जाएं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों। अगर डिनोमिनेटर्स सेम हो तो अभी जो मैंने पहले प्रोसेस बताया दूसरा मेथड, वो आप लोग अप्लाई कीजिएगा। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो फिर हम इस मेथड की ओर चलेंगे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 रेशनल नंबर्स में से एक जो है वो दूसरे से छोटा होगा, तो जो छोटा है ना, उसको आप x मानिए और जो बड़ा है वो उसको y मानिए, ठीक है। जो छोटा है उसको x मानना है, जो बड़ा है उसको y एज्यूम करना है। तो यहाँ पे एक d जो हम देख रहे हैं ये क्या है, y - x/n+1। कहने का मतलब दोनों रेशनल नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, y - x करना है और उसको जितने रेशनल नंबर चाहिए उसमें एक बढ़ाकर उससे डिवाइड कर देना है। जैसे आइए इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 3/4। तो यहाँ पे एक बात और है, हालांकि यहाँ पे ये आपका नेगेटिव है ना, जो रेशनल नंबर है वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि दोनों में से 3/4 जो है वो ग्रेटर होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और ये एक नेगेटिव वैल्यू है। हमेशा ऐसा आपके साथ होगा नहीं, या तो दो नेगेटिव वैल्यूज़ भी आपको दिए जा सकते हैं या दो पॉजिटिव वैल्यू आपको दिए जा सकते हैं। तो वहाँ आप कैसे एक बार सोचोगे कि इसमें से कौन बड़ा है। इसका सबसे ईजी तरीका ये है कि आप अपने मन में इसको डिवाइड करो, इसको पॉइंट में सोचो। हम जानते हैं कि इतना तो आप सोच ही सकते हैं कि 2/3 है, हम अगर 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमें 0.6666 इस तरह से इसका वैल्यू मिलेगा। और 3/4 को डिवाइड करेंगे तो हमें पहला जो डेसिमल प्लेस मिलेगा वो 7 मिलेगा, है ना। 4/7 जहाँ हम करेंगे तो ये 0.6 था और ये 0.7 आ रहा है। अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू होते तो, है ना, तो उस कंडीशन में भी 3/4 जो है वो बड़ा होता। तो हमें डेसिमल में मतलब दिमाग में कैलकुलेट करना है, पहला डेसिमल प्लेस देख लेना है कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो पहला डेसिमल प्लेस किसका बड़ा होगा तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा, और जिसका पहला डेसिमल प्लेस छोटा है वो नंबर छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्लियरली समझ जाएंगे कि कौन किससे बड़ा है। तो जो बड़ा है उसको y मानना है, जो छोटा है उसको x मानना है, ठीक है। n का वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो d हम कैलकुलेट कर रहे हैं y - x/n + 1। यहाँ पे आप उसको सॉल्व कीजिए। देखिए, कभी भी माइनस साइन के बाद अगर आपको फिर से एक नेगेटिव साइन वाला नंबर मिलता है तो पहले उसको ब्रैकेट में रखा कीजिए। उसके बाद आपको पता है कि ब्रैकेट के पहले अगर माइनस साइन हो तो वो अंदर वाले सारे साइंस को जो है वो अपोजिट कर देता है। ब्रैकेट के पहले माइनस साइन का मतलब सिर्फ इतना है कि वो खुद तो गायब हो जाएगा लेकिन अंदर वाले जो भी साइंस हैं उसको बदल देगा। तो ये जो -2/3 था अब हो जाएगा +2/3। इसको हम लोग n+1 दैट मीन्स कि 6+1 से डिवाइड कर रहे हैं और ये आपका मिला नंबर 17/84, ठीक है। अब यहाँ जो रेशनल नंबर्स हमें मिलेंगे वो हमें कैसे मिलेंगे। ये जो मिल रहा है बच्चों, d का जो वैल्यू मिल रहा है, d का मल्टीपल हमको ऐड करते चला जाना है। किसके साथ, x के साथ। d का मल्टीपल मतलब फर्स्ट टाइम्स जो है d, फिर d का सेकेंड टाइम, है ना, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इस तरह से हमें d को मल्टीप्लाई करना है और x के साथ ऐड करते चले जाना है। तो x + d जो है वो आपका पहला रेशनल नंबर होगा, x + 2d दूसरा रेशनल नंबर होगा, x + 3d जो है वो तीसरा होगा और दिस विल बी कैरी ऑन। तो यहाँ से भी आपको एक जो फैक्ट है वो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम जितने चाहें उतना इसको कर सकते हैं। तो क्या इसका इन्फ्रेंस हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रिमार्क्स एक हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि देयर आर इनफिनिटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स, क्योंकि हम यहाँ पे जितने चाहें उतने मल्टीपल्स जो हैं वो d के वो x के साथ ऐड कर सकते हैं। वो हमेशा क्या होगा, 3/4 के पहले आएगा, है ना, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक। तो मैंने पहले भी कहा है आपको कि जिस तरह से रेशनल नंबर्स इनफिनाइट हैं उसी तरह से दो रेशनल नंबर्स के बीच भी जो रेशनल नंबर्स होंगे वो भी इनफिनाइट होंगे। हमें बस उतना फाइंड करना है जितना बोला जा रहा है, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने रेशनल नंबर्स फाइंड करने के मतलब दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उनको फाइंड करने के जो प्रोसेसेस हैं, जो 3 मेथड्स हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ लिया, है ना। और हम लोगों ने जो रेशनल नंबर्स की फैमिली है उसको भी बहुत अच्छे से समझा है। तो इस तरह से हमने रियल नंबर्स का एक ब्रॉड आइडिया जो है वो ले लिया, और बाकी जो भी कॉन्सेप्चुअल टर्म्स थे इस चैप्टर में वो भी हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। हम लोगों ने इन सारे नंबर्स के बारे में जान लिया, उसके बाद इन्हें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी हम लोग समझ चुके हैं, रेशनल नंबर्स के बीच रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करना है ये भी हम लोगों ने जान लिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने अच्छे से समझे। आज का वीडियो लेसन हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो लेसन में मैं आपको इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स 1 बाय 1 सॉल्व करवाऊंगा, ओके। तो बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, और अगर अभी तक आप इस चैनल पे अगर आप नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ इसी तरह से आपको पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक्सप्लेन करूँगा और सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करूँगा, है ना। यहाँ आपको हर एक एक्सरसाइज का फुल कॉन्सेप्ट और फुल सॉल्यूशन मिलता है, इसलिए अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने लाइक्स ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ जिसका नाम है